Now in the introduction section of kinetic theory of gases, we will explain you Dalton's theory, then after Boyle's, Charles, and then we reaches to kinetic theory. अब बात कर रहे थे kinetic theory of gases क्यों use हो रहा है, because the gas के molecule ही ऐसे हैं जो कि motion में रहते हैं, जो movement करते हैं, so उनमें एनर्जी होती है, तब हम कह सकते हैं कि द थ्योरी इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन यू बॉयल्स लॉ. सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज अ टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ओके, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस. सो volume of a gas is inversely proportional to the pressure of a gas. If we draw a graph, अगर हम एक graph बनाएं किसके किसके बीच, pressure और volume के बीच, तो pressure और volume के बीच में हमने graph बनाया. हम यहाँ दो conditions लेके चलते हैं, एक तो ideal conditions, ideal का मतलब not ideal gas, हम theoretical concept लेके चलते हैं जो कि Boyle's law ने कहा. तो we reaches to three curves, these are three curves. And the dotted curves for the according to Boyle's theory. Now, अब experimentally क्या हो रहा है, practically क्या हो रहा है, ये तीन temperatures पर हैं, T3, T2 and T1. Now experimentally, this one and this one. This is temperature T1, this is for temperature T2, this is for temperature T3. T1 is greater than T2 is greater than T3. तो आप यहाँ से एक चीज़ देख रहे हैं कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, जो डॉटेड लाइन है ये किसके लिए है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. और ये जो डार्क लाइन है ये अब एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट हो गई, या जो मतलब प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हो गई जो हमको मिल रहा है. तो हो ये रहा है कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल, यानी बॉयल्स लॉ जो प्रैक्टिकली जो हमारी गैसेज हैं उनके लिए जो कर्व है लगभग हाई टेम्परेचर पे अप्रोच कर रही है, और जैसे जैसे लो टेम्परेचर जा रहे हैं कर्व वेरी कर रही है. तो वी कैन से द बॉयल लॉ इज एप्लीकेबल एट हाई टेम्परेचर्स फॉर ऑल द गैसेस. तो बॉयल्स लॉ हाई टेम्परेचर पर काम करता है, लो टेम्परेचर पे ये बॉयल्स लॉ काम नहीं करता. ये बात यहाँ से क्लियर हो गई है. नाउ द सेकेंड वन इज़ द चार्ल्स लॉ. अब बात करेंगे, लेकिन बॉयल्स लॉ में हम बात करें कि वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी. सो वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, देन यू कैन से पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. आइदर यू कैन से P1V1 इज इक्वल टू P2V2. सो यू कैन से दिस जस्ट लाइक आइसोथर्मल, मतलब प्रोसेस के लिए बात करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस की तरह काम करता है. नाउ वी रीच टू चार्ल्स लॉ. हम बात करेंगे चार्ल्स लॉ को लेकर. चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ओके, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ. अब चार्ल्स लॉ के अनुसार क्या चीज है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट मतलब प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहे तो वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस. व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन. सो वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस. यानी जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, गैस का वॉल्यूम भी उसी रेशियो में बढ़ता चला जाएगा. इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ, अगर हम एक ग्राफ बनाएं किस किस के बीच, सर हम बना रहे हैं वॉल्यूम और वॉल्यूम और किसके बीच बनाना पड़ेगा, यहाँ देख लीजिएगा टेम्परेचर के बीच. तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच अगर एक कर्व हम बना रहे हैं, तो कर्व जस्ट लाइक ए लाइन, ये जो कर्व जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच, अगर हम एक कर्व बना के चलते हैं, तो ये जो कर्व है एक स्ट्रेट लाइन की तरह से काम करती है. अगर हम इस कर्व की बात करें, तो आप एक दूसरी कर्व और बना रहे हैं हम इसके साथ साथ, आप ये कर्व के बारे में देख रहे हैं कि ये कर्व कैसे जा रही है, ये कर्व इस तरीके से जा रही है. तो आपके पास दो कर्व हो गई, पहली कर्व एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को दिखाएगी, प्रैक्टिकल वैल्यू को दिखाएगी दूसरी कर्व. तो आप देख रहे हैं कि एट एट
ये जो है, अगर हम बात करें लो टेम्परेचर्स की बात करें, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है एट लो टेम्परेचर्स, तो ये कर्व आपस में वेरी करती हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, हम ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, दोनों कर्व लगभग अप्रोच कर जाती हैं एक दूसरे की तरफ। तो ये क्लियर हो चुका है कि एट चार्ल्स लॉ ऑल्सो वैलिड, ऑल्सो फुलफिल ऑल द कंडीशंस एट हाई टेम्परेचर ऑल्सो। चार्ल्स लॉ भी हाई टेम्परेचर पर कंडीशन को फॉलो करता है, बिकॉज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू आपस में मैच कर जाती हैं। तो यहीं से अगर बात करें वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी से, वी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू। अब हम आगे, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है कि वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू फॉर ए चार्ल्स लॉ। अगर हम इसी की बात आगे करें और हम आपसे ये कहें कि बॉयल्स लॉ ने क्या कहा, बोले बॉयल्स लॉ ने